उपस्थित विद्यार्थी और वैद्यों को मेरा सादर प्रणाम चरक वाचन के सत्र की शुरुआत प्रार्थना से करेंगे ओम सहना सहन भुनकू सह वीर करवा वही तेजस्वी तमस्तु माविद्विशावहीं ओम शांति हे शांति हे शांति ही दीर्घम् आयु यशस्वास्थ्यम् चापि पुष्कलम् सिद्धिम् चानुत्तमः लोके राप्नोति विधिना पठन आ, हमने पिछले सत्र तक सूत्र क्रमांक जो छप्पन है पहले अध्याय का वहां तक हम आ पहुंचे थे और हमने उसके पहले अभी तक जो कार्य प्रकरण है जो हमने देखा था कि सबसे पहले सामान्य छह कारण उनके बारे में कुछ वर्णन था और उसके बाद फिर कार्य प्रकरण शुरू हुआ था जिसमें जो कार्य है धातु साम्य और फिर उसके लिए मुख्यत्व हेतु लिंग और औषध इनके आधार पर उन्होंने आगे वर्णन किया है कुछ संक्षेप में पहले अध्याय में और उसमें हमने देखा था कि सूत्र क्रमांक चौपन में हेतु संग्रह था कालबुद्धि नाम योगो में चाच फिर उसके बाद व्याधि के आश्रय के बारे में देखा शरीरम सत्व सउदने और उस त्रिदंडवत पुरुष में जो शरीर और मन ये छोड़ के जो आत्मा नाम का द्रव्य बच जाता है उसका जो रे, आ, अच्छा वर्णन दिया है चरक में सूत्र क्रमांक 56 वो हमने आ, इसके पहले देखा था आगे बढ़ते हुए इसी कार्य प्रकरण में इसके बाद उन्होंने सूत्र क्रमांक 57 में दोष संग्रह का वर्णन किया है दोष संग्रह क्यों क्योंकि हेतु से लिंग का जो आ, सफर है उसमें दोषों की भूमिका ये सबसे अहम है क्योंकि हेतु सेवन के बाद दोषों प्रकोप होना और उसके बाद व्याधि होना ये एक सामान्य सरल संबंध है ये ल, आ, कोई भी लांग कर हम व्याधि तक नहीं पहुंच पाते और हेतुओं का परिणाम होकर दोष प्रकोप और दोष प्रकोप से लक्षण अभिव्यक्ति इसमें हमें दोषों के बारे में जान के लेना है आ, सबसे ज्यादा जरूरी दर, है और दोषों को जाना तो ही हम आगे चिकित्सा शुरू कर सकते हैं तो ये सारी बातें जानकर यहाँ पे हमें सबसे पहली बार ग्रंथ में दोषों के बारे में संक्षेप में वर्णन आता है सूत्र क्या है वायु पित्तम कफश्चोक्ता शारीर दोष संग्रह मानस पुनरुद्दिष्टो रजस् तम एवं यानी वायु पित्तम कफह च उक्ता शारीर दो ये पहली पंक्ति हुई ठीक है अभी उस पहली पंक्ति के बारे में पहले बार देखेंगे कि उन्हें क्या दिया है इसका अर्थ सूत्र का बहुत सरल है लेकिन इसके कुछ टीकाओं के वैशिष्टपूर्ण अंश और इसमें से जो संस्कृत दृष्टया कुछ महत्वपूर्ण भाषा के एस्पेक्ट है वो मैं आपके सामने रखूंगा सूत्र के अर्थ समझने के समय तो वायु पित्तम च ये जो पहले चार शब्द है उसमें देखो उन्होंने वायु पित्तम और कफाह इन तीनों का अलग अलग उल्लेख किया है अगर वो चाहते तो समास भी कर सकते थे इस प्रकार से वातपित्त कफाहा या वायु पित्त कफहा यानी तीनों शब्दों को एक शब्द में जोड़ देना यह करना संभव था लेकिन उन्होंने समास किया नहीं और इसके पीछे भी कोई प्रयोजन होता है हमारे ग्रंथ में किसी भी प्रकार का वर्णन रचना उल्लेख यह निष प्रयोजन होता नहीं है और वो प्रयोजन वो टिका ने हमारे सामने बहुत ही सुंदर तरीके से रखा है तो चक्रपाणि जी कहते हैं कि ऐसा समास न करते हुए एक को अलग अलग उल्लेख करने का प्रयोजन क्या है तो चक्रपाणि जी ने कहा है कि वायु पित्त और कफ इन एक का पृथक रोग कर्तृत्व दर्शाने के लिए ऐसी बात यहाँ पे कही गई है पृथक रोग कर्तृत्व या क्या तो वायु पित्त और कफ इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली भी रोग उत्पन्न कर सकते हैं ये यहाँ पे हमें दर्शाने के लिए उन्होंने इनका इंडिविजुअल उल्लेख किया है समास किया नहीं है इसलिए यहाँ पे ये जो असमासिक जो तीन शब्द है उनका महत्व हमें समझ में आता है ये हो होगी पहली बात दूसरा क्रम के बारे में हम हमारे फर्स्ट ईयर से ही सुनते आते हैं कि हम हमेशा वात पित्त कफ इसी क्रम से सीखते हैं इसी क्रम से ग्रंथ में प्राय वर्णन मिलता है तो वायु पित्त और कफ इन तीनों का ये क्रम ये महत्वपूर्ण क्यों है क्योंकि अभी ये क्रम ये यहाँ पे सूत्र स्थल में पहली बार हमें देखने के लिए मिलता है लेकिन इसके बाद प्राय उसी क्रम से आगे ये वर्णन होते रहता है तो चक्रवाणी ने उसका भी स्पष्टीकरण यहाँ पे देना चाह है चक्रपाणी जी कहते हैं कि वायु का प्रथम उल्लेख करने के पीछे जो कारण है वो है आशु भूरी दारुण विकार कर्तृत्वात विकार या व्याधि तो तीनों दोष कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं तो उसमें कोई तारतम्य नहीं है लेकिन रोगोत्पत्ति के विधि में उसमें कोई अलग भेद है क्या तो बिल्कुल है अगर वात रोगोत्पत्ति करना चाहे तो वो निम्नलिखित प्रकारों से रोगोत्पत्ति कर सकता है जो क्षमता बाकी दो दोषों में नहीं है वो कौन कौन से है तीन यहाँ पे उन्होंने विशेषणों का उपयोग किया है आशु भूरी और दारुण आशु यानी वेरी फास्ट हम कहते हैं ना आशुकारी देन भूरी यानी टू मेनी हम सबको पता है कि नानात मजा अगर व्याधि देखे तो उसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी है व्याधि की है, है अस्सी अशी ही उसके नीचे फिर पित्त विकार होते हैं चालीस और उसके बाद कफ विकार होते हैं बीस यानी सामान्यतः भी रोग कर्तृत्व सबसे ज्यादा किसमें है रोगों की अधिकाधिक संख्या उत्पन्न करने की क्षमता किसमें है तो वात में है सो द पॉसिबली द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएशन ऑफ नंबर ऑफ डिसीजेस बात तो भूरी इस शब्द का उपयोग किया है और उसके बाद दारुण जो भी विकार वो उत्पन्न करेगा वो अत्यंत दारुणियर बहुत बड़ी हानि करने वाला होगा so आशुत्व भूरित्व और दारूणत्व ये तीनों विकार कर्तृत्व के विशेषण हुए और इसके वजह से वायु या पित्त और कफल से श्रेष्ठ कहां है उन्होंने इसका आगे भी जाग ऐसा वर्णन किया है कि फिर पित्त ही दो नंबर को क्यों चलो एक नंबर को वायु है तो ये हमने मान दिया फिर दो नंबर को पित्त क्यों तो चक्रपाणी जी कहते हैं कि पित्त ये कफ से ज्यादा विकार करने की क्षमता रखता है हमने देखा वैसे चालीस और वहां पे अग्नि का आश्रय रहने की वजह से पित्त ये कफ से ज्यादा प्रधान है तो इस तरीके से एक विशिष्ट क्रम का स्पष्टीकरण देने का प्रयास चक्रपाणी जी ने उनके टीका में किया है तो वायु पित्तम कफाह च यानी हमने देखा है अभी तक कि एंड या हिंदी में जिसको हम और कहेंगे ऐसा उसका अर्थ है उसके बाद है उक्ता उक्ता रूप है इसको कहा गया है तो वायु पित्त और कफों को कहा गया है क्या कहा गया है शारीर दोष संग्रह शारी शारीर शरीर से संबंधित दोषों का संग्रह अभी दोष इसका अर्थ क्या है वो हम देखेंगे लेकिन इसके पहले संग्रह का अर्थ क्या है वो देख लेते हैं अभी तक हमने संग्रह शब्दों को बहुत अधिक बार पहले अध्याय में देखा है हेतु संग्रह होगा तो वहां पे हमने क्या देखा था कि संग्रह यानी जब किसी भी विषय के विस्तार का संक्षेप करके वर्णन करते हैं व्हेन अ लॉन्ग सब्जेक्ट इज डिस्क्राइब इन अ वेरी शॉर्ट मैनर इट इज समराइज इन अ वेरी शॉर्टेस्ट पॉसिबल मैनर उसको संग्रह कहते हैं तो दोषों का संग्रह यहाँ पे विस्तार से वर्णन मतलब क्या तो दोषों का यहाँ पे वर्णन है जो तीन मात्र तीन दोषों के बारे में कहा है वायु पित्त और कफ लेकिन अगर हम हरेक दोषों का भेद देखेंगे वायु के पांच भेद पित्त के पांच भेद कफ के पांच भेद तो वैसे देखने के लिए जाए तो पंद्रह भी भेद हो सकते हैं अगर हम संसर्ग संपात इनको ऐड करें तो वो तो हमारे हाथ के बाहर जा जाएंगे और उसके तारतम्य अगर देखें तो वो तो अपरिसंख्य अपरिसंख्य हो जाते हैं तो दोषों की गणना ये असंख्य तक जा सकती है तो उनका सबसे शॉर्टेस्ट वर्जन कौन सा है तो वो है त्रिदोष और इसीलिए यहाँ पे दोषों का संग्रह ऐसे शब्द का उपयोग किया है अब दोष इस शब्द के बारे में जो टिकाकर लिखते हैं गंगाधर ने इसके बारे में कहा है जो कि दोष का अर्थ क्या है दूषणा दोष यानी जो दूषण करते हैं उनको दोष कहा जाता है जो अन्य द्रव्यों को अन्य भाव पदार्थों को बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं, उनको दोष कहेंगे ऐसी निरुक्ति हमें गंगाधर में देखने के लिए मिलती है लेकिन एक बात अगर हम समझ ले तो ये जो दूषण करने की क्षमता है दोषों में वो कब आती है जब वो विषम होंगे तब आएंगे सम दोष ये स्वास्थ्य के हेतु है प्रकृति भूत होने के हेतु है वो दूषण नहीं करेंगे इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर यहाँ पे दोष इस संज्ञान का उपयोग किया है तो वो यहाँ पे विषम दोष के लिए किया होगा समदोष के लिए नहीं क्योंकि समदोष ये दूषण नहीं करेंगे ये एक बात हुई दूसरी बात हम यहाँ पे हेतु लिंग औषध ये देख रहे हैं कि जो व्याधि के संबंध में हमने हेतु किसके देखे व्याधि के हेतु थे जो अः सूत्र क्रमांक हमने चौपन में देखा था काल बुद्धि इंद्रिया अर्थ

तो बेसिकली अभी इसका एक नर्सल में क्या अर्थ हुआ कि वायु पित्त और कफ इन सब को संग्रह कहाँ है यानी शरीर संबंध जो भी दोष है उनका अगर संक्षेप में वर्णन करना है तो वो वायु पित्त और कफ इस प्रकार से किया जाएगा और यहाँ पे जो तीन दोष है वो विषमावस्था में स्थित होना अपेक्षित है क्योंकि तभी उनको हम दोष ये संज्ञा दे पाएंगे अन्यथा उनको हम धातु ही कहते हैं क्योंकि वो साम्याव में शरीर का धारण करते हैं शरीर की हानि नहीं करते तो ये हो गया आप कुछ पहले विवरण का हिस्सा इसमें एक और एक इंटरेस्टिंग जो चर्चा आती है चक्रवाणी टीका में कि रक्त का दोष में रक्त इस भाव पदार्थ का दोष में समावेश क्यों नहीं किया है ऐसा एक चर्चा का ऐसा ऐसा ही चर्चा की शुरुआत चक्रवाणी ने उनके टीका में की है वहां पे पूर्व पक्ष स्वरूप जो भी वो मुद्दे कहते हैं वो क्या कहते हैं कि देखिए अगर आप देखो तो जैसे दोषों के खुद के दुष्टि हेतु होते हैं खुद के अलग लक्षण होते हैं स्वयं के स्वतंत्र व्याधि होते हैं वातज व्याधि पित्तज व्याधि हमने देखा ना अभी अभी नानात्मज व्याधि और दोषों की स्वतंत्र चिकित्सा भी होती है और वही सब मुद्दे रक्त को भी लागू होते हैं यानी रक्त के स्वतंत्र दुष्टि हेतु अगर आप चरक में ही देखो तो विधि शोणीतियों में इन सब का वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है रक्त है और रक्त व्याधियों के वैशिष्टपूर्ण चिकित्सा जैसे रक्त मोक्षण हो विरेचन हो लंघन हो इसका भी उल्लेख हमें उसी अध्याय में देखने के लिए मिलता है तो अगर यह सब क्राइटेरिया फुलफिल करता होगा रक्त तो रक्त का भी समावेश हम दोष में क्यों नहीं कर सकते हम ये भी देखते हैं कि सुश्रुत संहिता में भी रक्तों को बहुत ज्यादा महत्व दिया है रक्त विकारों का उल्लेख बहुत ज्यादा है तो अगर ऐसा होगा तो रक्त का भी समावेश दोष में करना चाहिए ऐसा एक पूर्व पक्ष ये हमें चक्रपाणी में उपलब्ध मिलता है लेकिन उसी का उसका खंडन चक्रपाणी जी खुद करते हैं संदर्भ वो आप से भी उसका खंडन करते हैं और वो कहते हैं कि सुश्रुत ने भी कहीं भी रक्त को साक्षात दोषों का अभिधान रक्त रक्त को दोषों की नहीं है वो संदर्भ भी कोट करते हैं वो क्या कहते हैं कि सुश्रुत सूत्र अध्याय क्रमांक है कि वातवित शेषवाण एव देह संभव भवंती यानी जहां जहां पे दोषों का वर्णन करते हैं स्पष्ट रूप से वहां पे रक्त का उल्लेख शुश्र संता में नहीं किया जाता यह आप और ये जो आपके सामने चार मुद्दे रखे हैं उसका खंडन करते हुए चक्रपाणि जी कहते हैं कि नहीं वातादि संबंधम अंतरेण भवति जब भी रक्त विकृत होता है तो रक्त विकृति के हेतु लक्षण ये भी जो तो सारे मुद्दे हैं वो यहाँ पे वैलिड क्यों नहीं होते क्योंकि रक्त की विकृति भी विकृतवात इत्यादि दोषों के संबंध के सिवाय नहीं हो सकती तो विदाउट द रिलेशन विदाउट द को रिलेशन विथ द विकृत पित्त कफ रक्त कैनोट गेट विकृत यानी स्वतंत्र रूप से रक्त दुष्ट होना संभव नहीं है उसके लिए दोषों का प्रकोप उसके पहले होने की आवश्यकता होती ही होती है और इसीलिए यहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही सुंदर न्याय का उदाहरण देके ये स्पष्ट किया है जिसको कहते हैं घृत दग्ध न्याय घृत यानी घी घृत हमें सबको पता है दग्ध यानी जल तो अब अगर हम देखें कि यहाँ पे घुत के बजाय हम कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले सकते हैं गर्म तेल हो गरम पानी हो गरम चाय हो बहुत बार हम आसपास देखते हैं कभी आपने स्वयं ने भी अनुभव किया होगा कि अगर आपके शरीर पे आपके हाथ पे गर्म चाय गर्म घी गर्म तेल ये गिर जाए तो हम क्या कहते हैं कि मुझे घी से जल गया मुझे चाय से जल गया मुझे तेल से जल गया लेकिन वो जो द्रव्य भूत है घी होगा तेल होगा उनमें स्वयं में जलाने की क्षमता है क्या नहीं अगर वो गर्म होंगे तो ही वो दग्ध कर पाएंगे तो वो यहाँ पे ये एक जो दृष्टांत है वो रक्तज विकारों के स्पष्टीकरण के लिए देते हैं वो कहते हैं कि ठीक इसी तरह मानव की गर्मा गर्माहट यानी जो वहां पे उष्णता है वो दोष दृष्टि है जो घृत है वो रक्त है और जलना ये क्या हुआ तो जलना ये लक्षणों को उत्पन्न करने जैसा है तो जैसे हम बात करते करते कहते हैं ना कि मेरे हाथ पे चाय गिर गई इसलिए मैं मेरा हाथ जल गया वैसे ही वो का वापर करना है कि के उपयोग करना है कि जैसे जैसे मेरा हाथ जैसे ये व्याधि रक्तज है तो ये व्याधि रक्तज है, इसका अर्थ क्या है कि रक्तज व्याधि होने के बावजूद उसके पीछे दोषी दृष्टि है और इसलिए वो रक्तज व्याधि कहलाता है ये बात यहाँ पे हमें समझना आवश्यक है और इसीलिए कर्तृत्व ये दोषों के पास जाता है रक्त के पास नहीं और इसलिए रक्तज व्याधि ऐसा कहने के बाद भी जो रक्त दुष्टि के पीछे के दोष है उनके पास ही कर्तृत्व जाता है एंड अल्टीमेटली वी कम बैक टू द दोष ओनली माता पिता कफ इसका अर्थ है कि रक्त यह स्वतंत्र रूप से विकार नहीं कर सकता जो भी हम रक्त विकार कहते हैं उनके पीछे भी दोषों में से एक अनेक दोषों का प्रकोप ही होता है और हम देखते हैं कि व्यवहार में इस तरीके से मांसज मेदोज ऐसे कहीं कहीं भेदों का भी उल्लेख किया है वहां भी वो स्वतंत्र रूप से दुष्टि नहीं करेंगे उनके पीछे दोष प्रकोप होने ही होने हैं और इसीलिए रक्तज विकार भी मूलतः वातज पित्तज कफज इसी प्रकार से होने वाले हैं और इसीलिए जो भी पूर्व पक्ष यहाँ पे उन्होंने हमारे सामने रखा था उसका उत्तर पक्ष द्वारा खंडन किया है और इसीलिए रक्त का दोष में समावेश किया नहीं है तो ये सब बात कहने की आवश्यकता क्या है कि हम तो चलो मा, आ, मान लेते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये तो दोषों का सिद्धांत बहुत ही सरल है लेकिन ऐसे बहुत सारे आक्षेप बहुत सारे पूर्व पक्ष ये हमारे सिद्धांतों पे आ सकते हैं तब तो भी आते होंगे अब भी आ रहे हैं उनका हम हमारे प्रमाणों के द्वारा खंडन कैसे कर सकते हैं लॉजिकली हाउ वी कैन रिफ्यूट दो ऑब्जेक्शन ये जानने के बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है संधि होती है और इसलिए ये जो एक इंटरेस्टिंग डिबेट है वो मैंने आपके सामने रखी ठीक है नो मूविंग अहेड टू द सेकंड लाइन ऑफ दिस सूत्र मानस पुनरुद्दिष्टो रजस् रजस् तम एव यहाँ पे क्या कहा है उन्होंने मानस पुनः उद्दिष्ट रज तम एव ये इस दूसरे पंक्ति का संधि विग्रह हुआ अब मानस यानी मन संबंधित क्या उसका उल्लेख दूसरे पंक्ति में नहीं है तो ऐसे समय हम ऊपर से ऊपर के पंक्ति से जो आवश्यक पद है उसका अनुवर्तन करते हैं यानी क्या करते हैं कि जो मानस ये विशेषण है वो किस शब्द के लिए विशेषण हमें उपयोग में लाना पड़ेगा वो शब्द तो दूसरे पंक्ति में है ही नहीं तो इसीलिए उसके लिए जो आवश्यक शब्द है वो हमने पहली पंक्ति से यहाँ पे फिर एक बार उपयोग में लाया वो था दोष संग्रह जैसे शारीर दोष संग्रह ऐसा एक कॉम्बिनेशन तैयार होता है वैसे ही मानस दोष संग्रह ऐसा कॉम्बिनेशन हमें तैयार करना पड़ता है और इसीलिए ऊपर के पद को नीचे अनुवर्तित करना ऐसा इस क्रिया को करते हैं तो नीचे का नीचे की जो पंक्ति है उसका अभी फिर एक बार क्या होगा एक्सटेंशन तो मानसहा दोष संग्रह पुनः उद्दिष्ट यानी जैसे ऊपर शारीरिक के संबद्ध दोषों का संग्रह कहा गया है वैसे फिर हम अभी मन संबद्ध दोषों का संग्रह उद्दिष्ट रूप से वर्णित करेंगे या उसका उद्देश्य करेंगे अब उद्दिष्ट इस विशिष्ट क्रियापद के बारे में बारे में भी कुछ स्पष्टीकरण हमें टीका में मिलता है उद्देश्य ये एक तंत्र युक्ति है उद्देश्य यानी संक्षेप में वर्णन तो जो पहले दोषों का हमने संक्षेप वर्णन देखा था वहां पे संक्षेप एक किस कॉन्टेक्स में था तो वहां पे आगे जाके जिसका विस्तार किया गया है जैसे मैंने आपको कहा कि वातपित्त कफा के भेद कहे गए हैं वातपित्त कफा के संसर्ग संधिपात के भी प्रकार कहे गए हैं ऐसा विस्तार हमें आगे ग्रंथ में देखने के लिए मिलता है उसकी समरी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है लेकिन ये जो संक्षेप है इस प्रकार का वो मानस दोषों के लिए लागू नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे जब एक बार वो मानस दोषों का अत्यंत संक्षेप में इन वेरी शॉर्ट मैनर डिस्क्रिप्शन कर देते हैं तो इसका विस्तार वो आगे ग्रंथ में कहीं नहीं करते और इसलिए यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमने जो मानस दोष है उनका तो संक्षेप और संक्षेप में वर्णन किया है शारीरिक दोष दोषों से भी बहुत ज्यादा संक्षेप में वर्णन यहाँ पे वो मानस दोषों का करते हैं क्यों क्योंकि जो प्योरली मानस व्याधि है काम क्रोध लोभ इत्यादि उनकी चिकित्सा ये आयुर्वेद के विषय में आती नहीं है उसके लिए चिकित्सा जैसे आगे के सूत्र में हम देखने वाले हैं कि ज्ञान विज्ञान धैर्य इन समाधि ये सारे जो विषय है वो सारे अन्य शास्त्र में जैसे योग शास्त्र में आते हैं और इसीलिए यहाँ पे उन्होंने मानस दोषों का विस्तार बिल्कुल किया नहीं है तो वो क्या कहते हैं कि जो ये मानस दोष है ना उनको अत्यंत संक्षेप में यहाँ पे आपको कह रहा हूं वो कौन से है रज और तम यहाँ पे च दो बार आया है उसका अर्थ आपको पता है रज और उसके साथ तम इन दोनों को यहाँ पे मानस दोषों की संज्ञा दी है फिर एक बार चक्रवाणी जी कहते हैं कि रज का ही सर्वप्रथम उल्लेख क्यों किया है क्योंकि रज ये रज तम में प्रधान कहा जाता है क्योंकि न अरजस्कम तमह प्रवर्तते ऐसा सूत्र हमें चरक विमान स्थान छह में देखने के लिए मिलता है यानी रज के बिना का प्रवर्तन नहीं हो सकता है और इसीलिए रज का वर्णन रज और तमक के क्रम में सर्वप्रथम किया गया है तो बस इतना वर्णन हमें हमारे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी है आयुर्वेद आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में इससे ज्यादा वर्णन रज तमक का हमें कहीं और देखने के लिए मिलता नहीं है तो ऐसे उन्होंने यहाँ पे सूत्र क्रमांक सत्तावन में शारीर और मानस दोषों का संग्रह किया ठीक है अभी इसके बाद का जो सूत्र है सूत्र क्रमांक अट्ठावन उसको पढ़ता हूं और फिर उसके बारे में भी हम आज उसका कुछ वर्णन देखेंगे ही पूर्वो दैव युक्ति व्यापार ही मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी चक्रवाणी जी कहते हैं कि ये जो सूत्र है वो दोष प्रशमन के कारणों का सूत्र है मतलब क्या तो दोषों के प्रशमों के पीछे जो हेतु है हमने इसके पहले क्या देखा था कि व्याधि के हेतु यानी दोष प्रकोप के हेतु ये हमने देखे थे फिर अभी उसी के बाद क्या कहना आवश्यक है हेतु लिंग और औषध इस क्रम से अभी औषध के बारे में संक्षेप में वर्णन करना आवश्यक है औषध ये क्या है चिकित्सा ये क्या है ये दोषों के प्रशमन करने का हेतु है, है तो ये उसका वर्णन हमें इस सूत्र में देखने के लिए मिलता है पहली पंक्ति देखेंगे प्रशाम्यति ओषध ही पूर्व दैवयुक्ति व्यापाश्रय ही इसका अगर अन्वय लगाए तो क्या होता है पूर्व दैवयुक्ति व्यापाश्रय ही औषध ही प्रशाम्य पूर्व हम कहते हैं ना पूर्व और पश्चात इसके पूर्व तो पूर्व यानी पहला तो पहला क्या पहला जो दोष संग्रह है इसके पहले के सूत्र के जो संदर्भ है वो यहाँ पे आ, कोट किए जा रहे हैं सबसे पहला जो दोष संग्रह है वो कौन सा है शारीर दोष संग्रह तो शारीर दोष संग्रह की औषधि कौन सी है दैव व्यापाश्रय और युक्ति ये जो सामाजिक शब्द है ना दैव युक्ति व्यापाश्रय उसमें व्यापाश्रय इस पद को दैव और युक्ति इन दोनों पदों का अनुवर्तन इंडिविजुअली करना पड़ता है और तब हमारे पास क्या तैयार होता है कि शारीरिक दोष संग्रहों का जो चिकित्सा है वो दैवअपाश्रय औषध और युक्तिपाश्रय औषध है जिससे शारीरिक दोषों का प्रशमन होता है अभी हमें ये बात सबने हमें बहुत बार सुनी होगी पढ़ी होगी ग्रंथ हर एक जगह पे कि दैवअपाश्रय इसमें बलि मंगल होम उपवास इत्यादि उपक्रमों का समावेश होता है और युक्तिपाश्रय इसमें प्रायहम शमन शोधनादि या जो षडविध उपक्रम है इनका पूरा समावेश ये हमारे युक्ति व्यापाश्रय में किया जाता है तो ये एक मूलभूत बात हम सबको ज्ञात है अब हम अगर देखें कि दैव और युक्ति इन दो शब्दों के बारे में थोड़ा हम बारीकी से देखेंगे कि दैव इसका अर्थ क्या है दैव इसका अर्थ है अदृष्ट यानी जो हमें इंद्रियों को दिखता नहीं है यानी जो ऐसा कर्म स्वरूप हेतु या जिसको गंगाधर ने कहा है कि हमारे भाग्य जो हम हमारे व्यवहार में उसको हम पूर्व कर्म कहते हैं हमारा प्राक्तन कहते हैं उसको दैव कहते हैं तो दैव के बाद जो शब्द आता है वो युक्ति है, युक्ति क्या है? योजना युक्ति स्थु योजना या तो युजते ये हमने देखा है युक्ति ये पराधि गुणों में से एक है वहां पे हमने इसका उल्लेख देखा था तो योजना किसकी योजना तो योजना ये अनेक विध चीजों की एक साथ योजना करने का यहाँ पे अर्थ अपेक्षित है और ये अनेक विध एस्पेक्ट कौन कौन से हैं यहाँ पे वो बहुत सारे हो सकते हैं दोषम दुष्ट दोष दुष्य बल देश काल इत्यादि उसके बाद कौन सी कल्पना का उपयोग करना है क्वात हिम कलक इत्यादि प्रमाण का अनुपान इन सारों का वर्णन जो हमें चिकित्सा के दरम्यान करना पड़ता है उन सारों को मिला के, जो योजना की जाती है उसको युक्ति कहेंगे और इन दोनों के आश्रय से जो दो अलग अलग चिकित्साएं रहती है उनको हम दैव दैवअपाश्रय और युक्ति देते याने क्या? उसका जो सामासिक शब्द है, उसमें जो दो उपसर्ग है वी और यानी विशेष रूप से यानी दूर करना दूर हटाना वर्ज करना अब यहाँ पे हम किसको दूर कर रहे हैं व्याधियों को व्याधियों को उत्पन्न करने वाले शारीरिक दोषों को हम दूर करने का यहाँ पे प्रयोजन रखते हैं तो विशेष रूप से व्याधियों को दूर करने के लिए जो चिकित्सा अपेक्षित है वो जिनसे आश्रय से है वो दो यहाँ पे कौन से विषय है दैव और युक्ति और इसलिए दैव अपाश्रय ये चिकित्सा का एक पहला प्रकार हुआ युक्ति अपाश्रय ये चिकित्सा का दूसरा प्रकार हुआ और इन दो यहाँ पे चिकित्सा इस शब्द के लिए उन्होंने औषध इस शब्द का उल्लेख सूत्र में किया है और इसलिए अब अगर हम फिर एक बार इस सूत्र का अर्थ देखेंगे तो क्या समझते हैं कि पूर्व यानी जो सबसे पहले शारीर दोष संग्रह है और ऑब्वियसली उससे उत्पन्न होने वाले जो शारीर व्याधि है वो दैवअपाश्रय औषध और युक्ति अपाश्रय औषध इनसे उनका प्रशमन होता है यानी प्रशमन होता है प्रशमन होता है यानी धातु साम्य पुनः प्रस्थापित होता है क्योंकि वही तो हमारा कार्य है जो हमने देखा था वही तो हमारा देश तंत्र का प्रयोजन है और अब देखो कि यहाँ पे उन्होंने मूल सूत्र में व्यापाश्रय ही औषध ही यहाँ पे तृतीया विभक्ति का उपयोग किया है कि धातु साम्य करने के लिए हमें ये चिकित्सा ये साधन भूत है यानी दीज आर द टूल्स द मीन्स टू अचीव द धातु साम्य तृतीया विभक्ति का अर्थ होता है करण या साधन अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उन्होंने शारीरिक दोष पित्त और कफ इनके शमन के लिए इनसे उत्पन्न व्याधियों के शमन के शमन लिए चिकित्सा तो हम करते ही है हमें तो समझ में आ जाती है लेकिन उसके लिए दैवअपाशय चिकित्सा का उल्लेख किया है जनरली हमारा अंडरस्टैंडिंग ऐसे हो जाता है कि दैव चिकित्सा ये मानस दोषों के लिए है रजतम के लिए है लेकिन ये बात यहाँ पे उन्होंने जो हमें सही तरीके से की है जो हमारा भ्रम दूर करेगी कि दैव चिकित्सा इज टू ब्रिंग अबाउट द प्रशमन ऑफ वात पित्त कफ और वहां पे गंगाधर जी वहां पे उसको अच्छा एक्सप्लेन करते हैं कि जो भी जो ये पूर्व कर्म से प्रकोपित दोष है ऐसा हमें हेतु कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं आप उधर जैसे व्याधि देखोगे कुष्ठ भगंदर इसमें उन्होंने पूर्व कर्मकृत कर्मों को पूर्व कर्मकृत जो भी हेतु है उसका उल्लेख वहां पे उन्होंने किया है तो इस प्रकार के व्याधियों में जहाँ पे पूर्व कर्म अदृष्ट हमारे अशुभवाचक जो भाग्य है उसके वजह से जो वातवित्त कफ का प्रकोप होता है उनका शमन करने के लिए हमें दैवपाश्र चिकित्सा के जो अलग अलग उपाय है जो बलि मंगल होम उपवास उनका हमें उपयोग करना पड़ता है तो ये बात अंडरलाइन करके हमारे मन में उसको स्थित कर दीजिएगा प्रतिष्ठित कर दीजिएगा कि चिकित्सा ये वात पित्त विकारों को प्रशम करने का उपाय है यहाँ पे उसका उल्लेख मानस दोषों के शमन के चिकित्सा स्वरूप आया नहीं है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत समझ फैक्ट ये आज के सूत्र का मैं कहूंगा कि हाईलाइटिंग पॉइंट है ठीक है अभी यहाँ पे चक्रपाणी जी ने इस पे और एक इंटरेस्टिंग टीका लिखी है जो मैंने नीचे आपको बॉक्स में उल्लेख उल्लेख किया है उसका कि चक्रपाणी जी कहते हैं कि अभी फिर यहां पे उन्होंने क्रम में दैव का उल्लेख पहले किया है और युक्ति का उल्लेख उसके बाद किया है पश्चात किया है तो इस क्रम का भी कोई महत्व है क्या तो चक्रपाणी जी कहते हैं कि बिल्कुल है दैवपाश्रय चिकित्सा का उल्लेख प्रथम करने के पीछे ये कारण है क्योंकि दैवपाश्रय चिकित्सा ये अक्लेश चिकित्सा ये युक्ति चिकित्सा के तुलना में सद्या बहुत ही कम समय में अभी के अभी तुरंत इन नो टाइम और अक्लेश रुग्ण के शरीर को कोई भी क्लेश किए बिना चिकित्सा करके व्याधि शमन करने की क्षमता रखती है और इसीलिए दैवपाश्रय चिकित्सा का उल्लेख युक्ति से पहले किया है इस सूत्र के क्रम में तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट है अनफॉर्चुनेटली हम सारे जो प्राय सामान्य वैद्य होते हैं उनको दैवपाशी चिकित्सा के बारीकियों के बारे में उनके विस्तार के बारे में बिल्कुल जो जानकारी होती नहीं है तो इसलिए इसका ज्यादा विस्तार करना ये मेरे क्षमता के परे है लेकिन ये जो भी में उसका उल्लेख आया है ये हमें एक बहुत ही अलग इंसाइट देता है इसका जो विस्तार है उसके लिए हमें हमारे ही वैदिक शास्त्र के कुछ अलग ग्रंथों का अध्ययन करना होता है लेकिन वो हमारे इस विषय का अभी विस्तार हो जाएगा उसके बारे में ज्यादा जानकारी मैंने कहा कि मुझे भी नहीं है तो हम इस सूत्र को ही अभी सूत्र के ही जो लाइन ऑफ एक्सप्लेनेशन है उसपे बने रहेंगे और उसको देखते देखते अभी हम आगे के पंक्ति की ओर बढ़ेंगे इस सूत्र के वो पंक्ति कौन सी है मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी मानसाह देखो फिर एक बार मानसहा क्या मानसाह दोष संग्रह हमने इसके पहले सूत्र में ही देखा कि मानस के दोष जैसे हमने अभी -अभी शारीर के के बारे में देखा वैसे ही अगले सूत्र में अगले पंक्ति में मानस दोष संग्रह के बारे में कहा है क्या कहा है तो हमें यहाँ पे फिर एक बार क्रियापद अलग से नहीं मिलता है दूसरी पंक्ति में है ना मानस एक शब्द है और ज्ञान विज्ञान इत्यादि जो साधन है वो एक पद है तो इसलिए हमें ऊपर के पंक्ति से प्रशाम्य क्रियापद का अनुवर्तन नीचे करना पड़ता है और फिर हमारे पास एक वाक्य तैयार हो जाता है मानस दोष संग्रह ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी प्रशाम्य तो इसका अर्थ क्या हुआ मानस दोष संग्रह है यानी जो रज और तम है उनका प्रशमन किसके द्वारा होता है ज्ञान विज्ञान धैर्य और समाधि ये उनकी औषधि है देखो इसको इस एंगल से देखो कि रजतम का जो वैषम्य है या वृद्धि है उनको कम करने के लिए क्या औषधि है ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि ऐसा बहुत ही सुंदर बहुत ही संक्षेप में लेकिन बहुत ही सटीक वर्णन यहाँ पे चरक संहिता के सूत्र में हमें मिलता है तो हम इसका अगेन में फिर एक बार जस्ट लाइक दैव आश्रय हमें यहाँ पे इस ग्रंथ में मानस दोषों के चिकित्सा का विस्तार बिल्कुल देखने के लिए मिलता नहीं है उसके कुछ कुछ अंश कुछ कुछ स्पष्टीकरण यत्र तत्र जैसे और इसमें कुछ हद तक देखने के लिए मिलते हैं लेकिन उसका जैसे हमारे ग्रंथ में युक्ति चिकित्सा जो शोधन शमन है इसका जैसे अत्यधिक विस्तार किया है उस तुलना में इस विषय का विस्तार बिल्कुल नहीं है और उसके लिए मैंने आपको जैसे पहले भी कहा वैसे हमें योग शास्त्र के ग्रंथों का आकलन ज्यादा करने की आवश्यकता होती है तो यहाँ पे इस सूत्र के और टीका के आधार पर जो भी ज्ञान करके लेना हमें आवश्यक है वो हम हम करेंगे जो ये पांच पद है इस पंक्ति में, उसके बारे में टीकाकरण ने क्या कहा है जो कि रजतमक के औषधि है वो हम देखते हैं अभी ज्ञान ज्ञान के बारे में कहते हैं कि ज्ञान यानी अध्यात्म ज्ञान ऐसे चक्रवाणी जी कहते हैं जहाँ पे गंगाधर कहते हैं कि ज्ञान यानी समाबुद्धि जिसका हमने वर्णन ये इसके पहले भी देखा था कि ज्ञान यानी जो हितकारक अहितकारक है जो नित्य अनित्य है ऐसे द्रव्यों को ऐसे भाव पदार्थों को यथावत देखने की क्षमता होना टू द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एज दे आर यथावत उस क्षमता को ज्ञान कहते हैं या जैसे चक्रपाणी जी ने कहा है कि अध्यात्मक ज्ञान बारे में ज्ञान जो है उसको भी ज्ञान संज्ञा से हम आ, समझ के ले सकते हैं दूसरा जो कहा है विज्ञान शब्द उसको कहा है शास्त्र ज्ञान अलग अलग शास्त्र जो होते हैं जैसे हमने देखा कि आयुर्वेद ये एक शास्त्र है योग ये एक शास्त्र है ऐसे अलग अलग शास्त्रों का भी ज्ञान करके लेना उसको विज्ञान कहा जाता है या जो गंगाधर ने उसको एक शेड वहां पे उसकी ऐड की है कि जो अलग अलग शिल्प कला इनका ज्ञान है उसको भी हम विज्ञान इस प्रकार से समझ सकते हैं धैर्य धैर्य बट ध्रुति ध्रुति के भी बारे में कुछ वर्णन हमने इसके पहले के एक -दो सत्रों में देखा था कि ध्रुति यानी मन के नियमन करने की क्षमता द कैपेसिटी टू कीप द माइंड अंडर द कंट्रोल टू टू रेगुलेट द माइंड तो उसको हम धैर्य या ध्रुति कहेंगे स्मृति इसके बारे में भी हमने इसके पहले देखा है अनुभूत अर्थ स्मरणम जो इसके पहले हमने अनुभूति ली है उनका स्मरण होना और उनकी सीख से हमारा व्यवहार निर्णय बर्ताव सुयोग्य तरीके से होना इससे हम रजतम से विजय पा सकते हैं ये हो गया स्मृति के बारे में और जो अनुतम उन्होंने कहा है कि समाधि समाधि का अर्थ चक्रपाणी जी ने क्या कहा है कि मनो को विषय उनके विषयों से दूर रखना मनों को विषयासक्त होने से दूर रखना और उसी का विस्तार आगे जाके कैसे किया जाता है तो आत्मा में मन का पूर्ण रूप से नियमन करके रखना जब मन ये खुद के विषय से दूर निकल जाए तो वो आत्मा से संयुक्त तो होने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है और जब मन ये केवल आत्मा के साथ संयुक्त तो होगा उसी को समाधि कहते हैं और इसलिए समाधि का एक पर्याय नाम है योग अगर आप योग शास्त्र के ग्रंथ पढ़े वो भी उसकी टीकाएं पढ़े तो वहां पे उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से दिया है कि योग का शब्दशाह अर्थ है समाधि और उसकी जो व्याख्या दी है वो है चित्तवृत्ति निरोध और इसीलिए गंगाधर कहते हैं कि यहाँ पे समाधि का अर्थ है योग जिसका अर्थ है चित्तवृत्तियों का पूर्णतः निरोध करना जिससे क्या होने वाला है अगेन उससे मन और आत्मा इनका संयोग हो जाएगा और उसके बाद फिर कोई भी दुख की प्राप्ति होना असंभव हो जाएगा इसी को विस्तार करते हुए गंगाधर कहते हैं कि इट इज नथिंग बट द यूनियन और कॉम्बिनेशन ऑफ ध्यान एंड धारणा तो इतना यानी रज और तम इन दोषों पे अगर आपको विजय प्राप्त करना है तो आपको इतनी गंभीर चिकित्सा करना अपेक्षित है इसके निर्देश ग्रंथ ने यहाँ पे हमें दिए हैं और अगर आप सभी भली बहुत समझ गए होंगे कि आपको समाधि तक के समाधि इस चिकित्सा के साधन का उपयोग करना है तो आपको योग शास्त्र को भी जाके यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इस क्रम का बहुत ही थरोली अध्ययन करना पड़ेगा और इसलिए ये विषय ये, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है योग शास्त्र के कॉन्टेक्स्ट में आता है ये बात यहाँ पे इस टीका के द्वारा सुस्पष्ट हो जाती है ठीक है तो इस प्रकार यहाँ पे जो सूत्र क्रमांक सत्तावन और अट्ठावन इसका जो वर्णन था वो मैंने आपके सामने रखा हम इसके आगे के सत्र में इसके आगे जो दोषों के गुण है उसके बारे में कुछ विस्तार करेंगे टीकाओं के आधार पर ठीक है कुछ अगर आपको शंका हो तो आप अभी आज पूछ सकते हैं अगर नहीं हो तो हम हमारा सत्र आज यहाँ पे संपूर्ण करेंगे